पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, अगर उसको देखें एज एन एवरेज कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था अदर क्रेडिट सोसाइटी के पास, तो ज्यादा इतना भी नहीं था कि ओवरफ्लो था। अगर बैंक 6% दे रहा था तो ये 8% दे रहे थे। अगर आप ये देखो कि अगर बैंक भी 6% दे रहा, अगर ये 8 देने, अगर 2% ज्यादा नहीं देंगे तो इनके पास कौन जाएगा? तो ये दे सकते थे, कैपेबल थे, क्योंकि सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक सोसाइटी थी, कोऑपरेटिव थी। इसको SLR मेंटेन नहीं करना होता था, वो जो पैसा बचता था वो अपने मेंबर्स के रूप में कोऑपरेट करती थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में उनको देती थी। और सोसाइटी अच्छे प्रॉफिट मिली, 481 करोड़ का लास्ट प्रॉफिट था और उसमें 16-15% डिविडेंड हर साल देती थी हमें। तो आपको पता है कि जिस जो डिविडेंड दे रहा है 15-16% दे रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट ही अपने मेंबर्स में बांट रहा है, तो सोसाइटी सही तरीके से चल रही थी, सबका इन्वेस्टमेंट सही तरीके से चल रहा था, कभी भी किसी की पेमेंट नहीं रुकी। विद इन हाफ एन आवर आप चाय पीते थे, हम अकाउंट क्लाइंट के अकाउंट में सेंट्रलाइज ट्रांसफर पेमेंट होती थी, उसके अकाउंट में मैसेज आ जाता था सर आप मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए, खुश होता था। बट एकदम से अचानक कुछ न्यूज आई और उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 6 महीने तक, जब ये 12 जून 2018 को ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके बावजूद भी सोसाइटी काम करती रही है, लोग डिपॉजिट करते रहे और लोगों को पेमेंट भी मिलती रही, बिकॉज इसके पास रिजर्व फंड था और उस रिजर्व फंड में से ये लोग देते रहे। पर जब इनका जो करंट अकाउंट है, मेन अकाउंट है, मास्टर अकाउंट सीज हो गया, तो पेमेंट देना बंद कर हो चुका, तब धीरे धीरे लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। पर मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या लोग इस पर काम कर रहे थे, किसकी वजह से काम कर रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ था, सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती थी, CRCS सेंट्रल शाडो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जिम्मेदारी थी। अगर 807 ब्रांचें ऑल ओवर इंडिया में खुल रही है, बगैर एक भी ब्रांच बगैर परमिशन के नहीं खुलती, आपको पता है किसी स्टेट में किसी बैंक की अगर बैंक खुलनी है तो वो रेगुलेटर से अप्रूव होती तब ब्रांच खुलती है। ये सब हो रहा था, क्यों होने दिया गया? ठीक है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई लूप पॉइंट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्लोज कर दो और लोगों को मरने पे सड़क पे छोड़ दो। आप उनको प्लानिंग कर सकते थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो उनको जो फॉल्ट लिखता उसको हटा के या MDs को अंदर कर दिया, पर नया बोर्ड गठन करके जिस तरीके से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में प्रावधान है कि इसका नया बोर्ड बना के और इसको दोबारा चलायमान किया जा सकता है, बट वो चीज नहीं किया सरकार ने। अब आज की डेट में सहकार मंत्रालय बना है और जिसके मंत्री हैं अमित शाह। मेरी अमित शाह जी से गुजारिश है कि सर बहुत लोग बहुत हो गया, 4 साल होने के बाद जून में 4 साल हो जाएंगे, कितने लोग मर चुके हैं।